स्थान पर से भ्रमण करेंगे। छठवां रोग शत्रुओं का है। सातवें स्थान पर से मंगल भ्रमण करेंगे, ये पत्नी स्थान है। और ग्यारहवें स्थान पर राहु बुध करेंगे भ्रमण, ये आपका लाभ का स्थान है। और दसवें स्थान पर सूर्य और शुक्र भ्रमण करेंगे, ये आपका कर्म स्थान है। ये सारे स्थानों का भ्रमण जहाँ जो ग्रह कर रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए बहुत बड़े मददगार सिद्ध होंगे। इस सप्ताह आपके लिए जो कभी कोई कार्य नहीं है वो हो जाएंगे, क्योंकि सभी केवल एक चीज़ छोड़ करके पत्नी से थोड़ा सा विवाद ना करें, इसको छोड़ करके बाकी सभी कार्य आपके मंगल में होने वाले हैं। मुख्य रूप से आपका जो रोग और शत्रु जो हैं उनका अपने आप विनाश हो रहा, आपको कुछ विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, अपने कर्मों से वो स्वयं समाप्त होने वाले हैं। विवाद करने से नहीं, आप समझाने से मान जाएंगे, जिसी से शत्रुता हो रही, लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रही, आप समझा देंगे इतने में मान जाएंगे। और आपका कर्म स्थान इतना मधुरमय बन रहा, सुंदर बन रहा है कि जो छूटा हुआ कर्म वो भी मिल जाएगा, कहीं जॉब में करना चाहते हैं जॉब मिल जाएगा। जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए सबसे मंगलमय समय है, क्योंकि लाभ भाव में घुस चल रहा है। व्यापारियों के लिए सबसे अच्छा समय है ये, व्यापार के लिए जो नया व्यापार खोलेंगे उनके लिए भी अच्छा है। जो इनका व्यापार हम पहले से चल रहा है वो व्यापार वृद्धि को प्राप्त होगा, तो व्यापारी वर्ग के लिए भी ठीक है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी ये ठीक है सप्ताह। और सबसे अच्छी बात यह है इस सप्ताह में आपको अपव्यय जरूर होगा, थोड़ा सा खर्च की मात्रा बढ़ जाएगी, व्यर्थ का खर्च आप कर बैठेंगे। साथ साथ में आपका जो पराक्रम है, मेहनत है, वो मेहनत जो है व्यर्थ जा रही है। यानी ऐसा काम ना करें जिसमें व्यर्थ में मेहनत जाए। छोटे भाई बहनों को कोई कष्ट होता है, तकलीफ हो सकती है, रोग हो सकता है, कोई तबीयत गड़बड़ हो सकती है छोटे भाई बहनों की, ये हो सकता है। इस प्रकार के आपका जो सप्ताह बीतने वाला है। और मुख्य रूप से आपके सप्ताह में आपका धन और कुटुंब इन दोनों की वृद्धि होगी। परिजनों से जो वृद्धजन हैं उनका आशीर्वाद मिलेगा, और जो आपके कुटुंबी जन हैं परिवार के लोग हैं उसमें सुख शांति एवं समृद्धि ये तीनों प्राप्त होने का समय चल रहा है। और उसके साथ साथ में आपकी वाणी में जो है सो कटुता आएगी, दबंगी आएगी, थोड़ा वाणी से बोलने में विवाद हो सकता है, उससे सावधान रहना है। और आपके मन में गुस्सा तेज हो सकता है, गुस्से से थोड़ा तेजी आ सकती है, क्योंकि आपका मंगल आपके शरीर को देख रहा है, गुस्से में आग बबूला हो जाएंगे। कोई भी इस प्रकार हथियार साथ में ना रखें, नहीं तो आपको गुस्सा बड़ी तीव्रगामी आती है, तो वो नुकसान ना पहुंचा दे, इसका ध्यान रखें, क्योंकि शनि मंगल महाराज आपके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है। इसलिए साथ साथ में आपका जो एकादश अचानक पिछली मुस्लिम जाति से, विधर्मी जाति से, ईसाइयों से, जैन समुदाय से, अथवा कोई विधर्मी जाति है, ऐसे व्यक्ति का सहयोग मिलेगा, उनसे लाभ मिलेगा, और उनका लाभ अचानक मिलेगा, लाभ यानी संयोग बनेगा, उनसे मित्रता होगी। गल्फ कंट्री में जो व्यक्ति जा रहे हैं, रह रहे हैं, उनका योग बन जाएगा गल्फ कंट्री जाने के लिए, लाभकारी के लिए। इस प्रकार से विदेश जाने के जो इच्छुक हैं उनके लिए सबसे अच्छा समय है, वो भी गल्फ कंट्री के लिए, ये बहुत बढ़िया समय है। आपके सूर्य महाराज जो है सो जो चल रहे हैं, कहाँ सूर्य महाराज नौवें भाव में चल रहे हैं भाग्य स्थान पर, और वहीं पर शुक्र महाराज हैं। तो भाग्य स्थान पर जब सूर्य चलता है तो भाग्य की वृद्धि, ऊर्जा शक्ति आपकी बढ़ाएगा, आपका तेज बढ़ेगा, प्रकाश बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नाम होगा, रोशन होगा नाम। इस प्रकार जो राज्य सत्ता में शासन में नौकरी करने हैं, नौकरी पेशा, उनके लिए तो बहुत ही भाग्यवर्धक समय है, पदोन्नति भी हो सकती है, या जिनकी नौकरी नहीं मिल रही उनको एप्लीकेशन दें तो इस सप्ताह में नौकरी मिल सकती है, या आश्वासन आपको सकारात्मक मिल सकता है। जिनका कोर्ट कचहरी में केस वगैरह चल रहे हैं उनको जो है सो इस सप्ताह में विजय के ओर अग्रसर होने की संभावना दिख रही है, विजय की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
और जो है तो स्त्री जाति से आपको लाभ होगा, स्त्री जाति के द्वारा भाग का विकास होगा। लाभ क्या होगा? भाग का बस गाइडलाइन बनेगी, मार्गदर्शन बनेगा। और स्त्री जाति के लिए आप जो है तो अवहेलना विवाद न करें, वो आपके लिए भाग्यवर्धक बनने वाली है इसी सप्ताह में, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। और मुख्य रूप से आपका इस सप्ताह में आपकी मूल नक्षत्र से ये सप्ताह प्रारंभ हो रहा है, धनु राशि से ये सप्ताह प्रारंभ हो रहा है, और आपकी सिंह राशि है। आपके सिंह राशि वालों के लिए संतान की दृष्टि से ये सप्ताह सबसे अच्छा होने वाला है। संतान के रख रखाव के लिए, भरण पोषण के लिए और उनके पठन पाठन के लिए अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज इच्छा के अनुसार मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी शौचन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।